हेलो एवरीबॉडी, क्योंकि ऐसे देखिए कई स्टोरीज मेरे सामने नजर आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिनको देख के दिल से दुआएं निकल जाती हैं कि अल्लाह इस वालिद की ख्वाहिश की लाज रख ले, इस वालिद की अरमानों की लाज रख ले। ऐसे ये किस्सा था कयूम साहब का। आते बड़ी मसरत के साथ आते, ख्वाहिश दिल में सिर्फ इतनी थी कि मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए। आप एक दर्जी हैं, टेलर हैं, एक टेलर की माशी हालात के बारे में यू कैन ऑल जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल द चैलेंजेस ही मस्ट बी गोइंग थ्रू बैक एट होम, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रन ए फैमिली। ही हैज गॉट 4 kids, ऑल 4 ऑफ देम आर स्टडिंग। घर है, तमाम घर भी चलना है, तालीम भी चलना है बच्चों की, लेकिन तालीम के तालु से इनके दिल में सिर्फ ये थी, सर मेरी सबसे बड़ी बेटी है और यह है हमारे सामने खतीजतुल कुबरा, नाउ शी इज गोना बी डॉक्टर खतीजतुल कुबरा इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो चैलेंज है ना, बहुत आसान नहीं है। होता कैसे है, एनी हाउस होल्ड में, हर घर में क्या होता है कि बच्ची पढ़ती है, 11th और 12th नाम के लिए पढ़ाया जाता है ताकि उम्र काटे बच्ची की। ये शर्म की बात है इस कम्युनिटी के अंदर। कभी कभी मुझे महसूस होता है, कभी पेरेंट आके कोई बड़ी इससे बोल देते हैं कैजुअली, क्या है सर पढ़ा के, 2 साल पढ़ लेगी, बाद में हमारे को क्या, हमारे को तो शादी ही कराना है। लेकिन ये एक दर्जी है, लेकिन इनकी सोच की मैं दाद देता हूँ। सुनिए इस बात को कि बच्ची 11th और 12th कम्प्लीट करती है, 12th में अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ले लेती है, लेकिन नीट की तैयारी नहीं करने की वजह से बच्ची के मार्क्स नहीं आते, less than 300 marks आते हैं। और तब मेरे पास रिपीट के लिए फिर एक मरतबा मुलाकात के लिए आते हैं, बच्ची का रिपीट के लिए लगाते हैं, 1 साल बच्ची ड्रॉप करती है, सेकंड अटेम्प्ट लिखती है, 477 marks लेती है बच्ची, ऑलमोस्ट 200+ marks का जंप होता है बच्ची का फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन फिर भी दैट इज नॉट सफिशियंट इनफ, उससे बच्ची को सीट नहीं मिलती। हर नॉर्मल केस में कैसे होता है कि घर में, समाज के अंदर हर कोई डिस्करेज करता है, बच्ची की उम्र हो रही है, बच्ची की उम्र हो रही है, बच्चे की उम्र, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, बच्ची की ख्वाहिश पूरी करनी है सर, और एक अटेम्प्ट बच्ची लिखेगी इंशाल्लाह। मैं भी मिलता एक ही बात होता, खत्ते ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ख्वाहिश के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज, ख्वाब के साथ कभी किसी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक और मौका बच्ची को दीजिए, मैंने बहुत क्लियर कहा तब आप पशुपेश में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने 3rd attempt लिया इस मरतबा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज क्रैक्ड नीट 2022। और ये बड़ी खुशी का मरहला है, जब आज हम जब देखते हैं कि एक वालिद की तमाम तर कुर्बानियों का अल्हम्दुलिल्लाह अजर अल्लाह ने दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने वो रिजल्ट जिसके लिए लोग बेताब होते हैं, वो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आया है, और हम वी आर सीइंग She has cracked this exam, and alhamdulillah, she is eligible for government free medical seat in most of the medical colleges, inshallah. My dil ki tamam gehraiyon se aapko mubarak, walidain ko khaas taur pe, walid ko, kyunki har waqt ye aate hain mere paas badi masarrat ke, badi israr ke saath poochte, sir meri bachchi ka khwahish hai, khwab hai, खास ख्याल रखिए। बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, आज बच्ची जब रिजल्ट आती है, बच्ची को तो बार बार जब भी देखता है दिल से दुआएं देता है, बेटे तुम्हारा तो हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने इस बात लाज रखी, अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ मेड इट नाउ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वालिद से कि एक कम्युनिटी के अंदर जितने भी वालिदैन हैं उन तमाम के लिए एक मैसेज, एक पैगाम आपका, जो आपको जो परेशानियां का झेलनी पड़ी, कई लोग कई चीज़ें बोले हैं, ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिसको बोलते हैं और वो शायद हिम्मत नहीं कर सकते, करते जो आप हिम्मत किए हैं, वो मैसेज, वो सपोर्ट आपकी तरफ से उनको मिलना है, ताकि ये मुस्तकबिल जो हमारे कौम मिल्लत का जो मुस्तकबिल है ये आगे बढ़े और ये मुस्तकबिल हमारा रोशनास हो। मैं अब्दुल कय्यूम, मैं टेलर का काम करता हूँ यहाँ, और मैं बिहार में एक बहुत बड़े खैरिये से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, 50 किलोमीटर जाने के बाद ही डॉक्टर मिलेगा।
तो जब ये हमारी बच्ची 2 साल की थी तो हमारे को इत्तेफाक हुआ डॉक्टर के यहाँ जाने का। लेकिन हमारे यहाँ पर्दे का इतना एहतमाम है कि मियाँ बीवी एक साथ दिन में नहीं निकल सकते। तो हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले, 6-7 बजे डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर के यहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन में था, मुलाकात नहीं हो पाई। दिन भर बैठे रहे, शाम को 5 बजे डॉक्टर आया और उसने एक चीटी लिख दिया, जाकर 400-500 की दवा ले लिए। उसके बाद हमारे को वो 50 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे, 24 घंटे हो गए। बच्ची को तना तना घर में छोड़ को हम दोनों मियाँ भी 24 घंटे तक बाहर रहे। अगली सुबह करीब 6-7 बजे घर को पहुँचे। तो उस दिन ही मैंने इरादा किया कि अल्लाह ने बेटी दी है, अगर इसे हयात बख्शे तो इसे डॉक्टर बनाए। तो वही ख्वाब, अब छोटा ही क्यों देखना, एक बार बड़ा देखे कि अल्लाह पूरा करे तो बड़ा ही ख्वाब पूरा करेगा। और उसके बाद फिर चंद महीनों के बाद हम वापस आ गए, क्योंकि हम यहीं काम धंधा करते थे। तो जब स्कूल जाने लगे तो हमारी तवज्जो पूरी इसके ऊपर थी कि इसे डॉक्टर बनाना है। तो जब बच्चे SLC के एग्ज़ाम देने से पहले उसमें अखबार में आया था कि टैलेंट एग्ज़ाम है फाल्कन अकेडमी में, तो मैंने सोचा कि यहाँ एग्ज़ाम दिलाया जाए, लेकिन कैसे दिलाएंगे। तो मैं फ़ोन करा तो मैसूर फ़ोन लग गया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बेंगलोर से, तो बेंगलोर का नंबर बताया वो कि वहाँ बात कर लीजिए। उसके बाद मैं आया यहाँ, एग्ज़ाम लिखे, एग्ज़ाम में पास हो गए। और उसके बाद सर से बात हुई तो सर ने बहुत हमारे हौसला दिया कि हाँ आपकी बच्ची अच्छी है, और ख़ास रियायत की हमारे लिए इन्होंने। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम लिख दिया और हम आकर एडमिशन, हमारे लिए खसूस रियायत करी आपने। तो उसके बाद से तो हम यहाँ रिजल्ट आया, एडमिशन कराए, उसके बाद 2 साल पढ़े। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारी बच्ची को कुछ मुश्किल हुई, जिसके वजह से नहीं ये हुआ। दूसरे बार करे, बहुत कोशिश है, लेकिन फिर भी उसमें भी लॉकडाउन आ गया। तो ये हुआ, तीसरी बार अब लिखी है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का करम हो जाएगा। और खासकर ये है कि अब सब लोग ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर नहीं पढ़ा सकते। डॉक्टर पढ़ाना चाहिए आदमी को। आदमी कोशिश करे, अल्लाह जराए ज़रूर इंतज़ाम करेगा, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल देगा। जैसे हमारे साथ हुआ, वो एक टैलेंट एग्ज़ाम लिखने की वजह से हम यहाँ आ गए, नहीं तो हमें कहाँ जाते थे मालूम नहीं होता, ताकि आगे ड्रॉप कर डालते थे, क्योंकि खर्च इतना है कि हमारे बस के बाहर है। मैं टेलर का काम करता हूँ, मुझे 4 बच्चे हैं, हमारे सबको एक साथ तालीम देना है। भले ही डॉक्टर ना बने दूसरे, लेकिन उनको तालीम तो देना है। तो इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना है, मेहनत करनी है। हमारी बच्ची भी माशाल्लाह बहुत मेहनत करी, वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करी हमारे हिसाब से। और इंशाल्लाह मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बिहार से आए थे यहाँ पे पहली बार, लेकिन जब भी हमारे बचपन से भी जब से भी मुझे याद है, हमारे बस यही कहते हैं कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है, मखलूक की खिदमत करना है। हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई इमरजेंसी हो जाए तो कम से कम 2-3 घंटे की सफ़र लग जाता है, वो भी अगर से अपनी खुद की सवारी हो तो, नहीं तो फिर सवारी के लिए भी बहुत सारी जिद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को। सो इसलिए हमारे लिए जब भी मुझे तो जब से भी याद है कि हाँ जब भी हम लोग फुर्सत में टाइम मिले, जब भी मैं अपने साथ बैठती हूँ, मैं भी यही कहती हूँ कि हाँ बस तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करना है, वहाँ पे रहना है जहाँ पे लोगों तुम्हारी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे। सो ऐसे वैसे हम लोग 10, 11, 9, 10 तक तो पढ़ लिए जैसे भी, लेकिन फिर भी ये था कि मतलब हमारे को हमेशा पूछा करते थे लोगों से कि मतलब कहाँ पढ़ेंगे, कैसे करना है इसके बाद, क्योंकि यहाँ हम लोग कम्प्लीटली अनजान थे। हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, रिश्तेदार हमारे एक अब्बू, मतलब हमारे अब्बू के भाई हैं और सिर्फ हमारे भाई,
तो ये कम्प्लीटली हमारे लिए नई जगह है, ना हम कहीं जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ पे नीट की कोचिंग होती है, कहाँ पे नहीं होती है, ये सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। फिर एक बार वो पेपर आता था तो उस हिसाब से हमें पता चला, तो यहाँ पे आए थे फाइनल में, तो हमारे को पहले ही बताया। तो लेकिन एक बार पता नहीं कहीं स्कॉलरशिप के इसमें भी हम लोग देखे थे, तो मैंने कहा कि मतलब यहाँ पे भी नीट की कोचिंग होती है, तो हमारे भी बोल रहे थे कि नहीं वहाँ का मतलब फीस ज्यादा है, हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, पहले तुम 11th 12th कर लो, उसके बाद फिर कहीं पे देखा जाएगा। लेकिन फिर वो पैम्फलेट्स में न्यूज़पेपर में आया था, तो न्यूज़पेपर में देख के फिर हम लोग यहाँ पे आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जब सुमन से जब आती है, उन्होंने फीस कंसेशन बहुत थी, लाइक हमारे जितना हम पे कर सके वहां तक हमारे लिए किए, तो उस वक्त लगा कि हाँ चलो अब हमारी पूरी मुश्किल दूर हो गई हमें, एंड लाइक अपना माहौल अपने जैसा लगा, कि मतलब कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हम कहीं डायरेक्टर से बात करें, फिर एकदम ऐसा लगा कि हाँ हमारे के कोई दोस्त हैं, हम इतने अच्छे से हमसे बात किए, तो एक जैसे उम्मीद सी हुई कि नहीं चलो हमारा हो जाएगा। लेकिन 11th 12th एंड वैसे पहले से भी मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी वीक थी, मैथ्स वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर भी जैसे जैसे लाइक जब रिजल्ट आया तो लाइक पता नहीं शायद मैं मैथ्स में पास भी हुई हूँ या नहीं, ऐसी कंडीशन थी। फिर यहाँ पे आए तो फिजिक्स भी वैसे ही बहुत ही ज्यादा टफ लगता था मुझे, लेकिन मैं तो फिजिक्स सॉल्व भी नहीं करती थी, मैं तो उसकी तरफ सोचती भी नहीं थी कि नहीं मैं उससे हो पाएगा, या फिर भी टीचर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना भी मैं उनकी तारीफ करूँ, स्पून फीडिंग कहूँ वो भी कम है, उतनी ज्यादा हेल्प किए टीचर्स ने। फिर भी 11th 12th में था तो लाइक पहले 11th 12th पढ़ लेते हैं कुछ भी, फिजिक्स तो तुम लोग आती नहीं थी, केमिस्ट्री भी वैसे ही थोड़ी बहुत, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी मुझसे, बस एक बायोलॉजी पे थोड़ी बहुत जो भी था लाइक बायोलॉजी से हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी से तो होने वाला था नहीं। फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट भी लॉन्ग टर्म ज्वाइन किए, एंड वो टाइम भी था शेड्यूल मेरा, लाइक मैंने प्रॉपरली ये किया था कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए एक बार तो मुझे करनी ही है, सो लाइक शेड्यूल बनाया था मैंने कि रात में 11 बजे सो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए 11 बजे सोना है, एंड सुबह 4 बजे ही उठना है, सो यही फॉलो किया था। लाइक फर्स्ट 11th 12th में मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की, मैंने सोचा फर्स्ट सर हमेशा कहते थे यू शुड बिलीव, लेकिन वो बिलीव मैंने कभी किया ही नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है, किसी का भी मैंने कभी सुना ही नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का हुआ हो, इसलिए आई नेवर बिलीव्ड इट एंड आई नेवर ट्राइड आल्सो, ये मिस्टेक थी मेरी फर्स्ट ही, कि मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया, सर कहते थे बार बार लेकिन फिर भी लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होने, सो जस्ट लाइक दैट जैसे नॉर्मल से क्लासेस जाते थे पढ़ लेते थे, एंड बस जैसे भी बोर्ड्स में स्कोर कर लेना है बोर्ड्स में स्कोर कर लेते थे, वैसे ही चलता रहा, इसलिए हो भी नहीं पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में बिकॉज मैंने बिलीव ही नहीं की थी। तो इन सेकेंड ईयर्स में मैंने सोचा नहीं सर सही कहते थे, शायद उस वक्त किया होता तो हो गया होता, लेकिन फिर भी पढ़ते गए। लेकिन बाद में फिजिक्स सर हमेशा कहते थे मतलब जो चीजें नहीं आती हैं, जो तुमसे नहीं होता है, जैसे काइनेमेटिक्स है, ये सारी चीजें जब तुम्हें नहीं होती तो वो छोड़ दिया करो, उसके अलावा चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया करो, लेकिन हमें था कि नहीं बायोकेमिस्ट्री तो हो जाएगा, फिजिक्स ही करना है, एंड फिजिक्स पे ही लगे रहते थे, जो कि ना तो लास्ट में ऐसा हुआ कि ना तो फिजिक्स हुआ हमारा और ना बायोकेमिस्ट्री हुआ, तो ये मिस्टेक वहां पे किए, एरर्स भी हमारे पूरी तरह से नहीं हो पाए थे, बहुत सारी चीजें थे, वो बिलीव जो सिस्टम पे बिलीव करने के लिए भी सर कहते थे, हमेशा कहते थे बिलीव इन द सिस्टम, लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी है कि मतलब ऐसे जाएंगे तो शायद हमारे से नहीं होगा, वो टेस्ट सीरीज में नहीं थोड़ा अपने से पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें भी थी, इसलिए शायद सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, फिर भी आए थे सर के पास, हो गया है बहुत, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा पता नहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें थी क्या करना है, शायद यहीं पे खत्म, अब कुछ और कर लेना पड़ेगा मुझे MBBS नहीं, लेकिन फिर क्योंकि बहुत सारे लोग थे उन्होंने कहा जो मतलब क्या करेंगे इतना पढ़ा के, छोड़ो कोई बात नहीं दूसरा ही कर लो, जरूरी नहीं है कि MBBS ही रहे, एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मतलब जरूरी नहीं कि तुम नेक्स्ट टाइम ड्रॉप करो तो फिर इतने ही मार्क्स आए, इससे भी कम आ सकते हैं, सिचुएशन क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर ये भी नहीं पता है तुम्हें, सो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं रहने दो जो भी सीट मिले उसमें चले जाओ, लेकिन जुमान सर के पास आए एंड अल्हम्दुलिल्लाह
नहीं बस थोड़ी सी और मेहनत लगेगी और आगे जाने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैंने ज्वाइन किया एंड इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों भी चीजों पे फॉलो किया, बिलीव वाला भी एंड सिस्टम पे बिलीव करने वाला भी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई मेड इट टू एंड टीचर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीजें हम लोग कहीं भी नहीं मिलेंगे शायद. मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल अब्दुल्ला सर की मतलब वो जो याद करना, बायो को पढ़ तो लेते थे समझ आ जाता था उस वक्त, लेकिन फिर वो चीजों को याद करना ये हमारी बस की बात नहीं थी. जो थे सारे फॉर्मूले एग्जाम्पल्स ये वो सारी चीजें, तो उनके रैपिड रिविजन से अल्हम्दुलिल्लाह ना कि हम लोग शायद हम लोग खुद से रिवाइज करने बैठे तो उतना नहीं रिवाइज कर पाए. इसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारा टाइम भी बचा एंड हमारा रिविजन भी हम जितना हम लोग कर सकते थे उससे ज्यादा परफेक्टली हो पाया. इम्तियाज़ सर के सारे डाउट्स वगैरह मतलब जो भी डाउट्स थे हमें किसी भी टाइम हम जाते हैं उनके पास, चाहे लंच ब्रेक हो या छुट्टी का टाइम हो, फिर भी वो 5 मिनट हमारे लिए रुक के हमारे डाउट सॉल्व करके ही जाते थे. इन फिजिक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी मेरी इम्प्रूव हुई बस टीचर्स की वजह से. शायद मैं खुद से करती तो कभी नहीं हो पाता. हमारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एनी टाइम क्लास में रहो तो भी क्लास में भी क्लास के बाहर भी मैं 5:30 तक कभी कभी रहती थी डाउट्स की वजह से. तो सर्स भी रहते थे बिना, मैं पहले क्या क्या आती थी सर मेरे डाउट्स हैं आज इतने बजे तक थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो रहते थे नहीं वो भी नहीं हो पाया तो घर जाके भी मैं व्हाट्सएप से सेंड कर देती सर ये डाउट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग उस वक्त भी मुझे समझाते चाहे वो रात के 10 भी क्यों ना बजते हो. इवन लास्ट डे तक भी हमारे टीचर्स हमारे साथ थे. इवन एग्जाम लिखने जा रहे थे उस वक्त भी बहुत सारी चीजें थी मेरे दिमाग में कि पता नहीं फिर इस बार भी हो पाएगा कि नहीं, लास्ट ईयर जैसे ही फिर हो जाए क्या पता. जैसे लोग कहते थे कि मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा है उससे कम भी आ जाए, ऐसा भी था. लेकिन इवन रास्ते में थे सर ने कॉल किया था, सर क्या मैंने कहा सर नहीं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो सर ने उस वक्त भी कहा था नहीं बस 3 घंटे की बात है इसके बाद तुम डॉक्टर हो. सच में सर वो चीज एक चीज बुला दी कि नहीं आए सच में जब सर सोच सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं. तो ये चीज मेरे अंदर जाते वक्त तक भी आई कि नहीं सबके ड्रीम्स हैं तो एटलीस्ट कुछ तो है जो वो लोग कह रहे हैं, शायद मैं नहीं मान रही हूँ उनकी तरह सोच के देखूं मैं भी तो शायद हो जाए. अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम बहुत ही अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम प्राउड फाल्कनेट दैट आई क्रैक 2022 नीट अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह आई विल बी गेटिंग इनटू गुड मेडिकल कॉलेज.